हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है रोहित और आज की हमारी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं द डेली करंट अफेयर्स ऑफ डेट इज ट्वेंटी ऑफ फेब्री ट्वेंटी

पेपर में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं तो आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ कवर करते रहना है डेली बेसिस पे आप कवर करते रहो इसको ताकि कवर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाए हमारे पेपर के अंदर मेनली फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं ज्यादातर डीप में हमें एनालिटिकल चीजें नहीं कवर करनी होती है सो बेसिकली इन्हें हमें बेसिकली इन फैक्ट्स को हमें याद रखना पड़ता है तो याद रखने के लिए सबसे पहली चीज तो यही है कि हमें रिवाइज करना पड़ेगा तो इसीलिए पहले हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं उसके बाद इनके साथ जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि साथ के साथ हमारा रिविजन भी चलता रहे तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे करंट अफेयर्स की क्लास की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल स्टाफ आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेके आ रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के अंदर चाहे वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ है चाहे वो नायब तहसीलदार है अलाइट है पटवारी है सब इंस्पेक्टर है जे ओ आई टी है जेओ अकाउंट्स है अगर आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टाफ हिमाचल को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप डेमो लेक्चर्स को पहले अवश्य देखिए किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कॉल या कर सकते हैं चलिए बढ़ेंगे आगे स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को और देखते हैं हमारे पहले करंट अफेयर्स क्या कहते हैं एंड वेरी गुड इवनिंग ज्योति जी पिंकी जी शालिनी जी संजू जी चलिए

दुनिया भर में 27 फरवरी को हर साल हम वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व करते हैं इन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या सोसाइटी के ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसको दर्शाते हुए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2024 के अंदर 2024 में जो वर्ल्ड एनजीओ डे या वर्ल्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसका थीम अब इसका थीम क्या है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर रोल ऑफ एनजीओ इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यह सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हम देखने देख रहे हैं कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो theme है पर. अब इस दिन की शुरुआत पहली बार ट्वेंटी फोर्टीन में की गई थी और यह दिन जो है इसकी शुरुआत एक सोशल एंटरप्रेनर मार्सिसनिस के द्वारा की गई थी और अगर मैं बात करता हूं बारह देशों में सबसे पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था इंक्लूडिंग द बाल्टिक सी एनजीओ फॉरम और 2014 में यूरोपियन यूनियन ने यूनाइटेड नेशन ने और कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर इसको बात करी कि हम वर्ल्ड एनजीओ डे दुनिया भर में ऑब्जर्व करेंगे तो इसी तरह से 27 तारीख को हर साल वर्ल्ड एनजीओ डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है आगे बात करते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर की मैं उम्मीद करता हूं कि पहला करंट अफेयर आप सभी को समझ आया होगा नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर क्या कहता है नेक्स्ट करंट अफेयर दोस्तों गीता बत्रा जी की बात करता है एक इंडो अमेरिकन लेडी एक इंडिया अमेरिकन लेडी द गीता बत्रा जी इनका नाम आ गया है एक फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनती हैं वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में आप सब जानते हैं वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रिटेनवुड कॉन्फ्रेंस के तहत की गई थी वर्ल्ड वॉर टू के चलते हुए और आज वर्ल्ड बैंक जो है इसके अंदर पांच सब्सिडरीज वर्क करती है मैं पांचों सब्सिडरीज भी बता देता हूँ वर्ल्ड बैंक की जो कि आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे आई IFC, उसके बाद आई बात करते हैं तो मीगा उसके बाद बात करते हैं आई अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि सर इनका मतलब क्या है तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आईबीआईडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सेकंड नंबर पे आती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन थर्ड नंबर पे है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन

उसी के तहत एनवायरमेंटल सेक्टर में रिफॉर्म लेके आने के लिए बनाई गई जिसके चलते हुए लगभग 24 मिलियन डॉलर की ग्रांट जो है यहां पर दी जा चुकी है एडिशनल एक मिलियन डॉलर जो है ये को फाइनेंसिंग कर चुका है फिफ्टी प्रोजेक्ट्स को लेकर दुनिया द, दुनिया भर के अंदर दो तक 170 कंट्रीज के अंदर सो ग्लोबल एन्वायरमेंट फैसिलिटीज का मेन पर्पस यही है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस हम करेंगे और रियो अर्थ समिट के तहत इसीलिए ग्लोबल एन्वायरमेंट फैसिलिटीज की रचना की गई अब ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज है इसके तहत इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया एक assembly है, 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 एक है एक असेंबली है काउंसिल है सेक्रेटेरिएट है अठारह एजेंसीज हैं और एक साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी पैनल है एक इवेल्यूशन ऑफिस है जो इसके अंदर वर्क करता है और फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है पांच मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन को लेकर बनाया गया अब ये पांच मेजर एनवायरमेंटल कन्वेंशन क्या क्या है ये आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करूंगा द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज ठीक है सबको पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन दुनिया में जो हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं ना उसको रोकने के लिए भी एक ट्विटी है एक कन्वेंशन है 1992 में साइन किया था हमने उसके बाद द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर उसके बाद द कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स

जिसको ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी मेंबर मेंबर कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। डेवलप्ड कंट्री से आते हैं, है और, ये करती है, करती है, करती है, को और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज की फाइनेंस एक्टिविटीज को निभाया जाता है समझ में आया होगा कोई सवाल है कोई डाउट है कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हो देखिए हिंदी में बेसिकली रोज कंटेंट होता है आज नहीं है क्योंकि आज तकनीकी दुनिया में थोड़ा सा बदलाव चल रहे हैं आज बेसिकली अगर आप टेक्नोलॉजी को देखते हो ना तो आज टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इश्यूज अगर आप देखोगे तो जैसे कि आज सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है कि आज यूट्यूब क्राइसिस में है यूट्यूब क्राइसिस में ऐसा नहीं है कि यूट्यूब का पैसा लॉस चल रहा है यूट्यूब क्राइसिस में आज यूट्यूब का एक बहुत इशू आ रहा है अगर आप यूट्यूब के कोई व्यू पर कोई वीडियो डालते हो कोई शॉर्ट कुछ भी डालते हो तो वो वर्क नहीं कर पा रहा है ठीक है वो डिलीट हो रहा है ऑटोमेटिकली उसके बाद सेकंड पॉइंट ये भी आ रहा है कि बेसिकली जो हमारे ट्रांसलेटिंग टूल्स है जैसे गूगल है माइक्रोसॉफ्ट है इनके जो ट्रांसलेटिंग टूल है ये भी आज वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो नो बडी नो मेन इशू बेसिकली गूगल नहीं कहूंगा मैं माइक्रोसॉफ्ट के जो ट्रांसलेटिंग टूल्स हैं सो जिस वजह से एक मेन फैक्टर है कि आज क्लास आपको इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी ठीक है क्वेश्चन मैंने ट्राई किया है किसी तरीके से प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे सो so, भारत और जापान के बीच में एक तो ज्वाइंट मिलिट्री महाजन फील्ड रेंच में राजस्थान के अंदर की जा रही है कंडक्ट और और किया जाता है और ये एक्सरसाइज 9 मार्च 2024 तक चलेगी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है ये एक एनुअल एक्सरसाइज है भारत और जापान के बीच में सो so, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा चलिए अगले करंट अफेयर को देखते हैं अगला करंट अफेयर दोस्तों क्या कहता है नेक्स्ट करंट अफेयर बात करता है गीता महोत्सव की तो गीता महोत्सव जो है ये कोलंबो श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कोलंबो इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका आप सब ध्यान रखेंगे तो श्रीलंका के अंदर फर्स्ट मार्च से लेकर थर्ड मार्च तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है दैट इज द पोकोना मोहिंदा राजा पक्षा थियेटर जो है कोलम्बो के अंदर वहां इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसको सहायता दी जा रही है डेवलपमेंट बोर्ड जो कि हरियाणा के अंदर है चलिए आगे बात करेंगे कोलेक्टिव सिक्योरिटी ट्विटी ऑर्गेनाइजेशन की कोलेक्टिव सिक्योरिटी ट्विटी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी चर्चा में आया देखो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी है ये एक सिक्योरिटी पैक्ट है ये आपको दिखाई दे रहे हैं व्लाडिमिर पुटिन अब देखो व्लाडिमिर पुटिन एक तरफ मुंह करके दिखाई दे रहे हैं इस चित्र के अंदर और दूसरी तरफ एक शख्स दिखाई दे रहा है अब शख्स कौन है यह है के प्राइम मिनिस्टर यह है से तोड़ दी. यानि कि अर्मेनिया ने खुद को बाहर निकाल लिया एक से इस अलिया से क्योंकि यहां पर अर्मेनिया ने क्या देखा कि कोलेक्टिव सिक्योरिटी ट्विटी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज है आज वो इतनी ज्यादा नहीं रही हैं इतना इफेक्टिव नहीं रहा है तो अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही नहीं रहना तो अभी हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस था रशिया और उसके सोव फॉर्मर सोवियत यूनियन के कंट्रीज के बीच में कोई मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएगा कि सोवियत यूनियन में फॉर्मर सोवियत यूनियन में कितनी कंट्रीज थी और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर होती है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो है साइन की गई थी ताशकेंद उज्बेकिस्तान के अंदर पंद्रह मई उन्नीस को और ये जब ये ट्रीटी साइन की गई तो आर्मेनिया कजाकिस्तान किर्गिस्तान रशिया तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान इन सब के हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ पर अवेलेबल थे उसके बाद अजरबैजान बेलारूस जॉर्जिया ने 1993 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और ट्रीटी जो है 1994 में सारे प्रोसीजर्स के बाद इम्प्लीमेंटेशन में आती है क्लियर अब ये जो ये जो ट्विटी थी इसमें प्रेजेंटली छः स्टेट्स थी अर्मेनिया बेलारूस कजाकस्तान किर्गिस्तान रशिया और तजिकिस्तान और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो रशिया के अंदर था मॉस्को के अंदर ये कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसकी हाईएस्ट बॉडी थी ऑर्गेनाइजेशन की और जिसमें हेड्स जो थे मेंबर स्टेट्स के इंक्लूड थे शेस जो थे कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल्स के ये मेंबर स्टेट्स के द्वारा हैंडल किए जाते थे ठीक है ज़रूरी भी थे बट साल में एक बार तो बहुत ज़्यादा जरूरी था चेयरमैनशिप इस काउंसिल की रशियन अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर होती रहती थी और या फिर काउंसिल मिलकर डिसाइड करती थी कि किसको अब चेयरमैनशिप देनी है तो मोटी मोटी बात यह है कि अर्मेनिया जो इसका एक मेंबर था अब खुद से बाहर हो रहा है अर्मेनिया खुद को इससे बाहर निकाल रहा है अब अगला करंट अफेयर तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबको एफ के बारे में तो पता ही होगा एफ एफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं किसी ने मेरे को बताया नहीं कि सोवियत यूनियन में कितने कंट्रीज थे यूएसएसआर में कितने कंट्रीज थे नोस no किसी को पता नहीं है क्या अपनी प्रेजेंस को जरूर शो करें जरूर मुझे यहां पर बताएं जो भी दोस्तों, हमारा जुड़ा हुआ है, के साथ. वो है जो दुनिया में वो कंट्रीज जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उन देशों के ऊपर फाइनेंशियल करने के लिए यानी कि लगाने के लिए यहां पर बॉडी बनाई गई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो कंट्रीज जो ब्लैक मनी का हेर फेर करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं टेरिज्म को सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज के ऊपर एक्शन लिया जाता है सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करता है इसके अंदर दो तरह की लिस्ट होती है एक होती है ग्रे लिस्ट एक होता है ब्लैक लिस्ट दो तरह की लिस्ट है इसके अंदर देखो अगर कोई कंट्रीज ये पाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको लगता है कि ये कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है तो यह पहले उसको ग्रे लिस्ट में डाल देता है ये उसको ग्रे लिस्ट में डाल देगा ग्रे लिस्ट में आने आने का मतलब क्या वार्निंग है भाई तुम्हारे लिए कि तुम अब सुधर जाओ जो काम ये तुम कर रहे हो इनको बंद कर दो अगर तुम बंद नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है एक्शन में मेनली ट्रेड बैन की जा सकती है तुम्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लोन नहीं देंगे ठीक है ऐसे कुछ इनिशिएटिव तुम्हारे खिलाफ खड़े किए जा सकते हैं उसके बाद अगर फिर भी कोई कंट्री काफी भाई ये क्लियरली यहां पर एक सिंबल दे दिया जाता है ब्लैक लिस्ट आज लिस्ट में तीन कंट्रीज है ठीक है बट ग्रे लिस्ट में बहुत सारी कंट्रीज है और वैसी एक कंट्री थी ग्रे लिस्ट के अंदर यूएई यूनाइटेड अरब एमीरेट्स तो यूनाइटेड अरब एमीरेट्स को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है यह सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज का था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने लगभग दो साल के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को रिमूव कर दिया और जिसके चलते हुए अब यूनाइटेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये बहुत अच्छी तरीके से आगे ग्रो कर सकता है इनको बहुत सारा पैसा मिल सकता है सो so बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो थे यहाँ पर इंडियन नॉन मेकिंग फाइनेंस कंपनीज में पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहते थे यूएई के उनके लिए भी एक ऑप्शन खुल के सामने आ जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में की गई थी जी सेवन की मीटिंग थीडक्वार्टर है, है, है वही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए हेडक्वार्टर के रूप में वर्क करता है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेके आता है जिसके चलते हुए इलीगल एक्टिविटीज जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है उनके ऊपर कब्ज किया जा सके और मेनली मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म और फाइनेंसिंग को ये रोकने का काम करते हैं अब दो तरह की लिस्ट जैसे मैंने बताया ब्लैक लिस्ट के अंदर दोस्तों तीन कंट्रीज बट ये जो ग्रे लिस्ट है ना इसमें बहुत सारी कंट्रीज है ये ग्रे लिस्ट की कंट्रीज है ठीक है ये सारे के सारे ग्रे लिस्ट के कंट्रीज है आप देखोगे बाबा बुल्गारिया बुकिना फाजो कैमरून क्रोशिया गिब्राल्टर हियाटी जमाइका माली मोजेम्बिकी नाइजीरिया फिलिपींस यमन वियतनाम यूएई यूएई तो चलो अब रिमूव हो गया ना युगांडा तुर्की तंजानिया सीरिया साउथ सूडान साउथ अफ्रीका सेनेगल ये सब कंट्रीज इसमें आते हैं अब आप देखोगे पाकिस्तान पहले होता था से एक दो साल पहले अब पाकिस्तान इस सूची में नहीं है क्लियर इंडिया नहीं है सूची में बच्चे इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे ब्लैक लिस्ट में नहीं है बिकॉज़ मनी लॉन्ड्रिंग में और टेररिज्म में हम इतने आगे नहीं हैं टेररिज्म तो हम नहीं क्रिएट करते हैं ये बात तो आप सब जानते ही हैं ठीक है और मनी लॉन्ड्रिंग भी बेसिकली दुनिया में हम अगर सेफ्टी भंग करने की कोशिश करें तो उसके लिए तो पैसा नहीं देते हम ठीक है सो so अगर भारत नहीं है इसमें इवन पाकिस्तान नहीं है इसमें पहले था पाकिस्तान बाद में पाकिस्तान को रिमूव कर दिया गया चलिए आगे बात करेंगे स्नो मून या फिर हंगर मून की ये स्नो मून या हंगर मून क्या होता है मेरे दोस्तों सो so, 24 फरवरी को फुल मून ऑब्जर्व किया गया जिसको हंगर मून भी बोला गया स्नो मून भी बोला गया स्टॉप मून भी बोला गया ठीक है जिसमें पृथ्वी की जो शेडो है वो दिखाई नहीं दी क्योंकि मून का जो ऑर्बिट था ये पांच डिग्री टिल्ट हो गया अर्थ ऑर्बिट के प्लेन की बेसिकली टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट जिसके चलते हुए अर्थ जो है डायरेक्टली बिटवीन नहीं आती है सूरज और मून के बीच में सो so, जिसके चलते हुए इसको नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स जो है वो स्नो मून कहते हैं या हंगर मून कहते हैं और ऐसा इवेंट जो है ये हिस्ट्री लेकर आता है चैलेंजेस लेकर आता है मिड विंटर के सो नासा ने बेसिकली यहाँ पर बोला कि हैवी स्नो फॉल हंटिंग डिफिकल्ट सो जिसके चलते हुए स्नो मून इसको बोला जाता है सो अलग इवेंट, अलग इवेंट्स अलग अलग नाम यहाँ पर इसको लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है देखो भारत टेक्सटाइल का हब है आप सब जानते हैं सो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स दो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसकी शुरुआत भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है इसको इनोग्रेट किया गया नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में और मैं आपको बता दूं दुनिया भर से बहुत सारा डेलीगेशन इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको आपको ध्यान में रखने हैं वो ये हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ये पार्टनर स्टेट्स के तौर पर रखे गए हैं बट गुजरात तेलंगाना और मध्य प्रदेश जो है ये सपोर्टिंग पार्टनर स्टेट्स के तौर पर आते हैं सो यहाँ पर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात तेलंगाना मध्य प्रदेश दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे चलिए क्लियर हुआ कोई सवाल कोई डाउट कोई कंफ्यूजन जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास देख रहे हैं अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार और शेयर भी कर दो ताकि आपके दोस्त फ्रेंड्स पर जुड़े यूक्रेनियन आर्मी ने बोला कि हम ईस्टर्न विलेज जो है अवदिविका का वहां से अपनी फोर्सेस को हटा रहे हैं ये यहाँ पर यूक्रेनियन आर्मी ने बता दिया है ईस्टर्न यूक्रेन से हम सेटलमेंट के बाद अपनी फोर्सेस को हटा रहे हैं So, लड़ाई जो है तीसरा साल शुरू हो चुका है रशियन ट्रूप जो है ये हैवी अटैक्स और कर चुके हैं और अवदिविका को ले जाके लेके जा चुके हैं जो कि एक ईस्टर्न टाउन था और यूक्रेनियन ट्रॉ यूक्रेनियन सिपाहियों ने पूरी कोशिश की यहाँ पर बट अब हथियार खत्म हो गए हैं तो यहां पर अब हम, हम पीछे हट रहे हैं बट अवदीवका की जो लड़ाई है ये वन ऑफ द ब्लडीएस्ट वॉर रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में आगे बात करेंगे द जी बिरला अवार्ड सो डॉक्टर अदिति सेन डे इनको मिलता है जी डी बिरला अवार्ड इनको मिलता है जी डी बिरला अवार्ड ये हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज के अंदर एक फिजिसिस्ट हैं इनको 2023 का जी डी बिरला अवार्ड साइंटिफिक एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है क्योंकि इन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजीज में अपने योगदान को बढ़ाते हुए रिसर्च किया और ये तैतीसवीं साइंटिस्ट हैं और पहली वुमेन है इस अवार्ड को रिसीव करने वाली ये अवार्ड के के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है उन्नीस से

मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीनबल एनर्जी के अधीन इसको कमीशन किया है इंडिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्लियर अब 40 मेगावाट uh, का जो सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट है जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है एक मेगावाट और है और डिस्पैचेबल कैपेसिटी हंड्रेड मेगावाट ए है इसको राज नंदगाँव छत्तीसगढ़ के अंदर इनोग्रेट किया गया छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर सो so स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा करंट अफेयर मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई सवाल कोई डाउट कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्योंकि अभी हमने करंट अफेयर पढ़ा है अभी हम इसी करंट अफेयर का रिविजन भी करेंगे तो रिविजन करते हुए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया पंद्रह कंट्रीज बहुत बढ़िया पूजा ने बताया यहाँ पर कवर करते हुए चलिए So, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन करने वाला है पहला सवाल गीता बत्रा इनका नाम यहां पर आता है एज द न्यू डायरेक्टर एट द इंडिपेंडेंट इवेल्यूशन ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी वॉज एस्टाब्लिश ऑन द इवनिंग ऑफ द रियो समिटी सेवेंटी टू इसका सेक्रेटेरिएट जूर स्विट्जरलैंड में है और ये एक final, आ, एक फाइनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म है पांच मेजर इंटरनेशनल पहली स्टेटमेंट जब मैं देखता हूँ ये करेक्ट है सेकेंड स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाता है क्योंकि रियो अर्थ समिट हम नाइन की बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट को मैं देखता हूं ये भी गलत हो जाता है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर मैंने वाशिंगटन में बताया और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है सो फर्स्ट करेक्ट है फोर्थ करेक्ट है फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है ऑप्शन डी शुड बहुत बढ़िया चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है एल्बेनिया हैज सस्पेंडेड इट्स पार्टिसिपेशन इन कलेक्टिव सिक्योरिटी पीडी ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद नेक्स्ट द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर इंटर गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल ट्रीटी मिलिट्री अलायंस बिटवीन रशिया एंड एंड द अदर सोवियत रिपब्लिक्स इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो मॉस्को रशिया में है और कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल ये हाइस्ट बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल अब ध्यान से अगर मैं इस सवाल को देखता हूँ दोस्तों पहला स्टेटमेंट गलत है क्यों गलत है अल्बेनिया नहीं अर्मेनिया था अल्बेनिया नहीं अर्निया था जिसने अभी खुद को बाहर किया इससे

डॉक्टर अदिति सेन हैज वॉन दी 2023 थ्री जी डी बिर्ला अवार्ड फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ द क्वान्टम टेक्नोलॉजीज सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है क्योंकि यू ए को अभी बाहर किया गया ग्रे लिस्ट सेकेंड गलत हो जाएगा क्योंकि भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज है थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा सो फर्स्ट एंड थ्री इज करेक्ट इट मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट क्लियर हुआ चले अगला सवाल देखते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंशिंग फाइनेंसिंग वॉच डॉग है ठीक है द फिफ्थ एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन ये रिसेंटली महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में राजस्थान में हुआ और डॉक्टर अदिति सेन पहली महिला बनती है जीडी बिरला अवार्ड साइंटिफिक एक्सीलेंस को रिसीव करने वाली हाँ जी तो देखते हैं यहां पर इस सवाल का आंसर कौन सही करने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग है और फिफ्थ एडिशन इस एक्सरसाइज का किया गया है यहां पर सेकेंड और थर्ड की बात हो रही है बट अगर आप पहली स्टेटमेंट को आप गलत क्यों बता रहे हो क्या ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग के तौर पर वर्क नहीं करती है ये प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर वर्क करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये बात हमने समझी तो यहां पर तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है इस मीन्स ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है ठीक है चलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में की गई थी आउट ऑफ द जी ट्वेंटी मीटिंग ऑफ द डेवलप्ड नेशन इन पेरिस ठीक है उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है धर्मा धर्मागार्जियन का ये प्रमोट करता है मिलिट्री ऑपरेशन और ज्वाइंट कैपेबिलिटीज ऑपरेशन इन सेमी अर्बन इन्वास थर्ड इज द जी डी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बाई इंडियन साइंटिफिस्ट हु आर अंडर द एज ऑफ फिफ्टी एंड लिविंग एंड वर्किंग इन इंडिया So, यहां पर बात करेंगे स्टेटमेंट्स की तो पहला स्टेटमेंट क्या लगता है आपको इनकरेक्ट है क्यों गलत है जी ट्वेंटी की बात कर दी जी ट्वेंटी नहीं जी सेवन सेकेंड इज करेक्ट थर्ड इज करेक्ट तो सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट क्लियर हुआ चलिए अगला सवाल देखते हैं इंटरनेशनल गीता महोत्सव विल बी हेल्ड इन कोलंबो

न्यू मून ऑफ फेब्ररी इज कॉल्ड स्नो मून और हंगर मून द इट हैज बीन नेम्ड सच द्राइब्स यहां पर न्यू मून ऑफ फेब्री जिसको स्नो मून या हंगर मून बोला जाता है स्नो मून कहते हैं हम so, सो यहां पर इस सवाल के अंदर हमने देखा सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है फर्स्ट गलत हो जाएगी ऑप्शन बी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चलिए वर्ल्ड एनजीओ डे कब होता है दोस्तों एंड योर नॉन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे दोस्तों आज का दिन है आज का दिन मतलब 27th ऑफ फरवरी को हम ये दिन ऑब्जर्व करते हैं तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे चलिए पार्टनर स्टेट्स कौन-कौन सी हैं भारत टैक्स 2024 के लिए पार्टनर स्टेट्स हां जी बताएंगे जल्दी से भारत टैक्स 2024 के लिए पार्टनर स्टेट्स ध्यान रखिएगा सब पार्टनर स्टेट्स नहीं पार्टनर स्टेट्स पूछा गया है जिसके चलते हुए ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र चलिए अगला सवाल है अब अवदिविका जो है अभी न्यूज में देखा गया ये किस कंट्री में है अवदिविका सो अवदिविका जो है ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का हिस्सा था तो यूक्रेन के अंदर आ जाएगा यूक्रेन यूक्रेन हमारा उत्तर हो जाएगा यहां पर चलिए अगला सवाल है इंडिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर रिसेंटली किया गया इंडिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी जो है कहां पर, किया गया। सवाल आपकी स्क्रीन पर है यह दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में चलिए और इसी के साथ साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास की समाप्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई सवाल कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रहा हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है दोस्तों तो क्लास को लाइक like करना कमेंट करना शेयर करना नहीं भूलना है इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे अब क्लास में कल से फिर मुलाकात कल फिर मुलाकात होगी शाम को सवा छह बजे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच